मेरे साथ प्लम्बर का एक चेला जो है ना, एक दफ़ा मस्जिद के अंदर ईशा की नमाज के दौरान मेरे को मिल गया। जिस तरह इमाम नमाज़ पढ़ रहा है वो उसके खिलाफ नमाज़ पढ़ रहा है, रफा देन करने में लगा पड़ा है। हर नमाज के अंदर उसका मामला यही होता था, टांगों को थोड़ा चीर के खड़ा होता था और रफा देन करना शुरू कर देता था, जैसे कि आजकल वहाबियों का मामूल है। तो एक दफ़ा मेरी बिल्कुल बराबर में आगे खड़ा होकर उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसको पूछा कि इमाम तो कुछ और नमाज़ पढ़ रहा है, तू कुछ और नमाज़ पढ़ रहा है, ये क्यों नमाज़ पढ़ रहा है, रफा देन क्यों कर रहा है, इमाम जिस तरह नमाज़ पढ़ रहा है उस तरह पढ़ ले। तो बोला सही बुखारी के अंदर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अनु, तो ये आगे हदीस बयान करने जा रहा था, मैंने उसे वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा एक मिनट रुक सर, मैंने कापी एक पर्चा मेरी जेब में था, उसको पेन मैंने दिया। मैंने कहा ये लिखिए जो तूने बोला है हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला, लिख के दे पेपर पे। तो बोला मेरे को लिखना नहीं आता। वहाँ पे दो चार लोग मतलब और भी नमाजी थे, तो ये इन लोगों का हाल है। तो बंदा जो बोल रहा है उसका वो हज़रत उमर लिख नहीं पाएगा वो पेपर पे। उसके हाथ में मैंने पेपर दिया, होश आवाज़ उसके जो है ना ख़त्म हो गए। बोला मेरे को लिखना नहीं आता। मैंने कहा तुझे लिखना तुझे नहीं आता और तू मुहद्दिस बन गया कि तुझे ये पता चल गया कि करोड़ों मुसलमानों की नमाज़ गलत है।